जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। गोटेगांव के पास स्थित ग्राम श्रीनगर में धान उड़द मूंग खरीदी केंद्र में पानी भर जाने के कारण कई किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। बताया गया है कि जहां पर किसानों की तुलाई हो रही थी वह केंद्र खेतों के पास है और वहां खेती भी होती है। किसान ने अपने खेत में सिंचाई के लिए पाइपलाइन डाली गई थी जो कि बीच में से खुल गई और वहाँ पर पानी भर गया, जिसके कारण वहाँ रखा 25 क्विंटल अनाज खराब हो गया और किसान इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार कहीं न कहीं समिति प्रबंधकों को ठहरा रहा है। और ठहराए भी क्यों ना, समिति प्रबंधक अपने मनमाने और अड़ियल पन से वैसे ही किसानों को परेशान करने पर उतारू है। समय पर किसानों का अनाज न तुलना भी किसानों में आक्रोश का कारण बना हुआ है। वहीं किसानों के द्वारा अधिकारियों से प्रबंधन की शिकायत भी की जा चुकी है पर प्रशासन भी मौन है। जहां शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, वहीं जो भी बस सत्ता प्रदेश में आती है वे किसानों के हक की बात तो करती है मगर किसानों की सुनवाई ना तो पूर्व सरकार ने की और ना ही वर्तमान सरकार ने। किसान हमेशा ही राजनेताओं से अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। खेत वाले हैं, इनका पानी आ गया है, वेयर हाउस जो खेत है इसलिए हमारा ये माल सब गीला हो गया है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? अभी डीएम वालों से बोला आपने, जिसका वेयर हाउस है उनने क्या बोला? उनने तो बोला इसको सुखा लो, हम धर लेंगे अपने उसमें। ये 4-5 क्विंटल माल है भाई, पूरा गीला हो गया। पूरा गीला हो गया। हम लोगों ने 4 दिन पहले यहाँ माल कुरेला जी, और रात में जो कारण से वहाँ पे सटक खुल गई तो वहाँ से पानी जो बहना शुरू हुआ तो 10-25 किसानों का बहुत अधिक नुकसान हो गया, कुछ का 4 क्विंटल, कुछ का 5 क्विंटल। अब हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, तुलाई हो नहीं रही, कर्मचारी लोग सुन नहीं रहे किसी की, उनसे अपील ही कर रहा है, किसान बहुत परेशान है। श्रीनगर से हमजा खान की रिपोर्ट।